गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ नाश्ते वाले डिश बनाने जा रही हूँ, तो उसका इंग्रेडिएंट देखिए। आज मैं बटाटे पोहे बनाने जा रही हूँ। तो दो कांदे लिए हैं और दो बटाटे लिए हैं, और मेंबर के हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखा है। तो मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इस हिसाब से मैंने पोहे लिए हैं, 300 ग्राम है। तो गैस को ओपन करते मैंने गैस को ओपन कर दिया है, और बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या डालूंगी वो आपको करते जाऊंगे और बताते भी जाऊंगी मैंने क्या क्या इसमें ऐड कर दिया। और ये भी काफी फटाफट बन जाने वाली है, और हेल्दी भी होती है और लाइट भी होती है। क्योंकि मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि मुझे बटाटा फ्राई करना है, इसीलिए तेल को गर्म होने रखते हैं। देखिए तेल से धुआं निकल रहा है। हल्दी ऐड करते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। पाँच से 10 मिनट लगेगा इसे पकने के लिए। इसको हम थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। जब तक कि लाल हो रहा है तब तक हम कड़ी पत्ता तोड़ते हैं, अपने ही झाड़ में से जुगाड़ करेंगे। और इसकी ना ताजी ताजी कड़ी पत्ता की खुशबू क्या है, इतना आ रही है कि बताओ। एक छोटा सा गाजर, तो हाई फ्लेम कर दिया मैंने। ये देखिए ये हो चुकी है। अब इसमें एक आधी कटोरी तेल बादाम ऐड करते हैं। सुनहरा होने तक भूनते हैं, इससे स्वाद थोड़ा डिफरेंट आती है और इसकी टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसमें हम राई डालते हैं,
और ये जो कड़ी लीव्स है वो डाल दें। और दो कांदा है, क्योंकि पोहे में कांदा ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए इसमें बड़ा दो कांदा लिया है मैंने। और चार से पांच मिर्ची, नाश्ता एक हेल्दी है और सुबह का नाश्ते के लिए लाइट वेट भी है और एक हेल्दी भी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सुबह का नाश्ते के लिए। इसको ब्राउन होने तक भूनते हैं। देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं पोहे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम बटाटा और ये सेम जो फ्राई किया था वो उसमें डाल देंगे। कोरिएंडर लीव्स भी ऐसे हम डालते हैं। गैस की फ्लेम स्लो करते हैं और इसमें नींबू डालते हैं। एक नींबू डालते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये नींबू सुबह का टाइम अच्छा होता है, इसीलिए इसमें नींबू भी डाला जाता है। अब ये लगभग रेडी हो चुका है, ये प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए ये रेडी हो चुकी है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी भी होती है और इसमें लगभग सभी कुछ ऐड है, इसीलिए एक हल्का और हेल्दी नाश्ता है। और चाय के साथ इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे डिश को पसंद कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी इजीली बनने वाला ये डिश है, आप लोग अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि कैसा बना है। चाय के साथ में इंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।